अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। बरेली में मौजूद रहे सांसद संतोष गंगवार, वन राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार और मेयर डॉ. उमेश गौतम। स्कूली छात्र छात्राओं को मिले सर्टिफिकेट्स या लिफ्ट। और इस क्रम में हमारे बीच में विदिता जी और फराज जी को हम सुन रहे थे कुछ सुंदर प्रस्तुतियों के साथ, सरस्वती वंदना और उसके बाद स्वागत गीत के साथ। आज हमारे बीच में इन कार्यक्रमों का उत्साह बच्चों में भी प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और केंद्रीय विद्यालय अनियार से सम्मानित करेंगे। आर्यन सागर को भी दे जाना। जोरदार तालियां, प्रोमिति कर्माकर मंच पर आ गई है, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और प्रमिति कर्माकर के बाद आएंगे निबंध प्रतियोगिता की विजेता खुशी सिंह चौहान। अगली प्रतिभागी विवाद प्रतियोगिता में ये सम्मान हासिल मुख्य अतिथि महोदय दीक्षा गंगवार। दीक्षा गंगवार तालियां बजाकर आप लोग आशीर्वाद दें। शैली शर्मा अगली कंटेस्टेंट है अलामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज और वहां के होनहारों का की अगली प्रतिभा कि पूर्वोत्तर रेल ने अच्छी प्रक्रिया के तहत काम किया है और अब जैसा कि हम लंबे समय से कहते आए हैं कि दक्षिण भारत के लिए भी ट्रेनों का सिलसिला पूर्वोत्तर रेल का शुरू होगा और उसकी पहचान बरेली से बढ़ने का काम होगा। बरेली से मुरादाबाद, बरेली से मथुरा और आगरा होते हुए आगे के रूट को निश्चित रूप से अब शुरू किया जा रहा है और अच्छी दिशा में काम भी हो रहा है। तो हमारा मानना है कि अब रेलों की संख्या जो अभी तक कम थी, अब परिवर्तन के बाद संख्या भी बढ़ेगी और यातायात भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। अगर हम ध्यान करें तो उसके हिसाब से पूर्वोत्तर रेल हमारे इस बरेली के इज्जत नगर मंडल में अच्छे ढंग से काम कर रहा है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि लंबे समय से हम मांग कर रहे थे यहाँ पर कटघर रेल क्रॉसिंग पर अंडरपास बने, उस काम की शुरुआत होने जा रही है। बरेली में और भी इससे मिलते जुलते विकास के काम हो रहे हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अब पूर्वोत्तर रेल की गति निरंतर बढ़ रही है। एक अच्छे स्टेशन बनाए जाना और अब अच्छी वर्ल्ड क्लास क्षमता के स्टेशन बनाए जाना और बरेली को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम पूर्वोत्तर रेल करने का काम कर रहा है और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में यातायात भी यहाँ पे बढ़ेगा, रेल की संख्या भी बढ़ेगी और दूर स्टेशनों के लिए भी यहाँ से ट्रेन का आवागमन होगा। थैंक यू।